गुड मॉर्निंग क्लास। सो आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8 चल रहा है, ठीक है, पैटर्न्स एंड सिमेट्री। तो आज हम इसमें एक नया टॉपिक करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। ठीक है, कोडिंग क्या होता है? बेसिकली फ्रेमिंग अ सीक्रेट मैसेज। जब हम कोई भी सीक्रेट मैसेज फ्रेम करते बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कभी हमारी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम चाहते हैं कि कोई ना पढ़ सके या फिर किसी को समझ में ना आए, लेकिन हमें वो मैसेज किसी और को फॉरवर्ड करना होता है, तो तब हम ये सीक्रेट मैसेजेस फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारा आता है कोडिंग, कि हम फ्रेम किस तरीके से करते हैं, और उसी में हमारा सेकंड पार्ट होता है डिकोडिंग, मतलब अगर किसी ने आपको सीक्रेट मैसेज लिख दिया है तो आप उसे डिकोड कैसे करोगे, उसको समझोगे कैसे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग करने के कुछ कोड्स होते हैं, हम वो दो कोड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा होता है यूजिंग नंबर्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स। हम क्या करते हैं, लेटर्स की जगह नंबर्स यूज करते हैं। जैसे ए की जगह 1 लिखेंगे, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4, ई की जगह एफ, ऐसे पूरा करके हम जो है इन सब की जगह क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा हुआ है गो ग्रीन, ठीक है। अगर मुझे इसका सीक्रेट मैसेज फ्रेम करना है तो मैं क्या करूँगी, इन लेटर्स की जगह पे नंबर्स यूज करूँगी, जो मेरा फर्स्ट मेथड है। तो हम देखते हैं जी, जी हमारा कहाँ लिखा है, ये, और जी का हमारा नंबर क्या है, 7, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगी, 7। ऐसे ही मैं देखूंगी ओ, ठीक है, तो ओ हमारा यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ओ, ओ का हमारा नंबर क्या है, 15, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, अब 15। अब टू लेटर्स के बीच में, जैसे हमारे ये दो नंबर्स लिखे हैं ना हमने, उनके बीच में हम थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये दो लेटर्स अलग अलग नंबर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने गो तो लिख दिया, अब हम ग्रीन पे आते हैं। ऐसे ही जी, जी का हमारा क्या था, 7, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, 7। आर, आर के लिए हम देखेंगे हमारा कहाँ लिखा हुआ है, 18, ठीक है। मुझे क्या करना है, हल्का सा गैप रखना है, उसके बाद मैं वहाँ क्या लिखूंगी, 18 लिखूंगी। ऐसे ही R के बाद E, E को चेक करेंगे, E का 5 है। अब हमारे पास यहाँ पे दो बार E है, तो हम क्या लिखेंगे, थोड़े थोड़े गैप में दो बार 5 लिखेंगे, ठीक है। अब है हमारा N, तो N यहाँ से देखेंगे, N का क्या है, 14, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हल्के से गैप में 14। तो ये हमारा सीक्रेट मैसेज हो गया। ध्यान क्या रखना है कि नंबर्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो और हमें अलग अल्फाबेट के लिए अलग नंबर आसानी से मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जहाँ पे हम नंबर्स यूज करते हैं लेटर्स की जगह पर। ऐसे ही अब हम सेकंड वे देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग लेटर्स विद अदर लेटर्स। हम लेटर्स को दूसरे लेटर्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखी थी सीधी ABCD लिखी थी A to Z तक, अब जब मैंने उनको जब दूसरे उसमें किया सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं ए की जगह क्या लिखूंगी, जेड, बी की जगह वाई, सी की जगह एक्स, मतलब पीछे से स्टार्ट करूंगी, जेड टू ए स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ऐसे करके मैंने इनको जैसे ऊपर तो हमने नंबर्स दिए थे, नीचे मैंने क्या करा है, इनको अल्फाबेट्स दे दिए, ठीक है। तो अब इसको भी हम चेंज करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैसेज क्या है, सेम वही मैसेज देंगे हम जो हमने ऊपर लिया था गो ग्रीन वाला, ठीक है। तो गो ग्रीन में हमारे पास यहाँ पे जी के लिए क्या यूज हो रहा है, टी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टी। ओ के लिए क्या यूज हो रहा है, एल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, एल। तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट लेट जो हमारा गो। अब हम ग्रीन के लिए देखेंगे, जी के लिए हमारे पास टी था, टी लिखा। आर के लिए हमारे पास आई है, तो यहाँ पे हमारा आई आ गया। ई के लिए हमारे पास वी है, तो यहाँ पे वी आ गया, और हमारे पास दो ई है, तो हम यहाँ पे दो बार वी लिखेंगे। और फिर एन, एन के लिए हमारे पास यहाँ पे एम है, तो क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे। तो ये मेरा दूसरा सीक्रेट मैसेज बना है जहाँ पे मैंने लेटर को लेटर से ही सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब एनकोडिंग डिकोडिंग का एक मेन चीज क्या है, आप जिसको भी ये मैसेज लिख रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो कोई दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो सबसे पहले तो पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि आप दोनों में से कौन सा वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिन तरीकों से हम एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही तरीके सीखे हैं। सो जैसे कि हमने अपना अभी ही टॉपिक देख रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, ठीक है, तो हमने ये दो तरीके के मैसेजेस को कोड और डिकोड करना सीखा था, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 5 के हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिख रहा है, जो हमने नंबर्स के साथ उनको सब्स्टिट्यूट किया है, और नीचे हमें कुछ मैसेजेस दिए हुए हैं, एक ए वाले में लिखा हुआ है और एक मैसेज हमारा बी वाले में लिखा हुआ है, तो हमें इनको क्या करना है, डिकोड करना है। तो वो आपको पता है, हम ऊपर वाला जो है की यूज़ करेंगे अपना, जो यहाँ पे हमारा बना हुआ है कि ए को 1, बी को 2, यहाँ से देख के हम फिर नंबर्स लिखेंगे। जैसे 13, तो 13 किसका है, हमारा
एम का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा एम, ऐसे ही वन, वन किसका है हमारा ए का, 20 का क्या है हमारा टी, 8 का क्या है हमारा एच, 19 का क्या है हमारा, 19 पे जाएंगे हम एस, तो ये क्या लिखा हुआ गया हमारा मैथ्स है ना। तो ऐसे ही आपको इनको तो डिकोड करके लिखना है। तो ये वाला हम ऑलरेडी अभी एक एग्जांपल कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको और एक्सप्लेन किया है। अब हम तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द कोड। तो हमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और कोड को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा सबसे ऊपर जो है हम ए टू जेड लिखते हैं पूरा, तो पहले हम वही लिखेंगे और देखेंगे और फिर उसके बाद उसको करेंगे, ए बी सी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, हमने ऐसे लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको डिकोड करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे डी दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे एम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हमें ये चेक करना है कि क्या डिकोडिंग की गई है। तो डी के बाद क्या आता है हमारा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हाँ तो मतलब एम आ गया हमारा जब हमने किया, तो उसका मतलब हमारी इसके बाद के अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे, डी ई एफ जी एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y और Z। अब तो हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो जब ख़त्म हो गई तो हम दोबारा A से शुरू करेंगे, A B C। तो अब ये हमारे पास एक डिफरेंट पैटर्न आ गया है ना, हमने ऊपर दो तरीक़ों से देखा था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये डिफरेंट पैटर्न है। तो इसमें जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया था शुरुआत में कि इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के पैटर्न यूज़ होते हैं, तो हमारे जो मैसेजेस का मतलब है वो चेंज हो जाता है अब, ठीक है। तो आपको समझ आया ये कैसा पैटर्न है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग मैसेजेस यूजिंग द कोड एज इन क्वेश्चन टू। तो अभी जो हमने क्वेश्चन टू में कोड बनाए हैं अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट्स के साथ सब्सटीट्यूट करके, तो वही कोड्स को हमें यूज़ करना है और अपने मैसेज को फ्रेम करना है, हमें एक सीक्रेट मैसेज फ्रेम करना है। तो हमारा सबसे पहला जो ए मैसेज है वो क्या है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो यहाँ पे हम हर एक आपको सिखाया था हर एक लेटर के लिए डिफरेंट लेटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या दिया है आर, ऊपर चेक करो आर का है, आर के हमने क्या यूज़ किया यू, तो यहाँ पे आर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास यू। ऐसे ही ई, ई के लिए ऊपर हमने क्या यूज़ किया है एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। डी के लिए क्या यूज़ किया है जी, यू, यू के लिए क्या यूज़ किया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया। सी के लिए क्या यूज़ किया है हमने एफ, और ई के लिए क्या यूज़ किया है एच। तो इस तरीके से ये हमारा सीक्रेट मैसेज हो गया। ऐसे ही हम अपने बाकी के भी मैसेजेस को कोडिंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इस वाले मैसेज को भी इसी तरीके से कोडिंग करेंगे, और ये वाले जो क्वेश्चन की कोडिंग है वो सारी हम इस वाले टेबल से करेंगे, इस टेबल में से देख के रेफर करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो हमें नीचे मैसेजेस दिए हुए हैं उनको डिकोड करना है। तो जैसे फर्स्ट लेवल में हम पूरा ए बी सी डी तक पूरा करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई Y, Z, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम नंबर्स को किस तरीके से लिखा है, वन, वन के बाद क्या आता है टू, लेकिन टू नहीं लिखा थ्री लिखा है, थ्री के बाद आता है फोर, फोर नहीं लिखा फाइव लिखा है, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स नहीं सेवन लिखा है। इसका मतलब हर एक हमने नंबर बीच में एक छोड़ा उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, तो हमें इसी तरीके से अपने पहले इसको पूरा करना होगा पैटर्न को। सो वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव के बाद सेवन, एट नहीं लिखेंगे नाइन, टेन नहीं लिखेंगे इलेवन, हम हर एक नंबर जो है बीच में से एक एक छोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 13 के बाद 14 नहीं आएगा, हम लिखेंगे 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, ये हमने अपना पूरा कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपको पता है ना ये कैसे खा गया, तो थ्री, थ्री की जगह क्या आएगा बी, तो ये आ गया बी, फिर नाइन, नाइन की जगह क्या आएगा ई,
ये हो गया हमारा बी। अब हम अपना दूसरा वाला डिकोड करेंगे, 31। 31 की जगह क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। 29, 29 की जगह ओ, 37, एस, 17, आई, 39, टी, 17, अभी 17 हमने देखा था यहाँ पे हमारा आई था, 43, वी, और 9, ई। तो हमारा क्या मैसेज आया, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने अपना फर्स्ट डिकोड कर लिया। तो ये मैसेजेस हमने डिकोड करने के लिए अपनी ये वाली टेबल यूज़ करी है। तो जब हम ये पैटर्न वाली टेबल ड्रॉ कर कंप्लीट करें तो इसको हमें ध्यान से करना है ताकि जो हमारे मैसेज का मतलब है वो सही से निकल के आए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में हमने यही सीखा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस की कैसे करते हैं और अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से जो अपनी कोडिंग वाली पैटर्न है वो फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू।